मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे में मेट्रो 4 के हजूरी आरटीओ मेट्रो स्टेशन के साइट पर काम करने वाले एक मजदूर के हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि मुंबई के ठाणे ईस्टर्न एक्सप्रेस से लगे हुए स्टेशन के काम के दौरान बुधवार दोपहर 3 बजे के दरमियान एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया है। मेट्रो स्टेशन के गैप भरने के लिए एक क्रेन सीढ़ी के जरिए मजदूर काम कर रहा था, तभी अचानक मजदूर नीचे गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही ठाणे नौपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है। घटना के बाद मुंबई ठाणे ईस्टर्न एक्सप्रेस पूरी तरह से जाम हो गया था। मौके पर ट्रैफिक और नौपाड़ा पुलिस ने सड़क पर गिरे रक्त और पानी डालकर साफ किया और ट्रैफिक जाम को हटाया गया। घटना की खबर लगते ही मनसे के लोग भी पहुंचकर मेट्रो प्रशासन से मांग की है कि जहां भी मेट्रो स्टेशन का काम चालू है वहां पर एम्बुलेंस सेफ्टी के जानकार रखने की मांग की है। हालांकि मेट्रो स्टेशन पर एक कंटेनर में प्रथम उपचार केंद्र तो है, लेकिन वहां पर एक भी कर्मचारी या अफसर मौजूद नहीं थे। घटना के बाद करीब आधा घंटा तक घायल मजदूर तड़पता रहा। एक युवक ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, अगर एम्बुलेंस घटनास्थल पर रहती तो शायद मजदूर की जान बच सकती थी। फिलहाल मौके पर पहुंचे PSI नवनाथ बुराड़े ने बताया कि मजदूर सेफ्टी बेल्ट तो पहना हुआ था, लेकिन वो क्रेन से कैसे गिरा और उस वक्त कितने मजदूर काम कर रहे थे यह जांच के बाद ही पता चल सकेगा। वो इधर काम करने वाला कामगार था, वो अकेला ही था, अभी वो आगे के देखेंगे क्या होता है। कितने लोग थे काम करते वक्त? एक ही था अभी।